नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंडम टाइप मास्टर सिलेंडर यूज्ड इन ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है ब्रेकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी सहायता से व्हीकल को हम मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप कर सके मींस वो सिस्टम जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की हेल्प से व्हीकल को बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप करने में हेल्प करे उसको बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम मास्टर सिलेंडर का क्या फंक्शन होता है ये हाइड्रोलिक टाइप सिस्टम में यूज होता है और जो मास्टर सिलेंडर है उसका बेसिक फंक्शन होता है जिसमें एक पिस्टन या फिर डबल पिस्टन रेसिप्रोकेट करे और जो फ्लूड है जो से आता है उस फ्लूड को कंप्लीट फोर व्हील्स का जो सिलेंडर रहेगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल उनमें वो ट्रांसफर करे फ्लूड को ताकि आसानी से ब्रेक सप्लाई हो और व्हीकल मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप हो सके आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेंडम टाइप की टेंडम से मीनिंग क्या है जिसमें दो पिस्टन एक रोड की सहायता से ऑपरेट हो उसको बोलेंगे लेकिन वो दोनों एक पिस्टन की रोड से ऑपरेट होते हैं अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये फ्लूड के प्रिंसिपल पे काम करता है लेकिन इसमें जो मैकेनिकल टाइप प्रेशर है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिक प्रेशर में मैकेनिकल टाइप लगे हुए जो कि ऑपरेट होंगे और मैकेनिकल डिवाइसिस की सहायता से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करेंगे की uh, को लेके यानी फ्लूड मेन कंपोनेंट है मेन वहां पे एक uh, जो है पार्ट है जिसकी सहायता से हम हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करके और आसानी से उसको uh, जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और जिसकी सहायता से व्हीकल स्टॉप हो सके अब बात करते हैं मेन मेन कंपोनेंट्स की जो टॉप हिस्सा होता है ये टॉप हिस्सा फ्लूड का रिजर्वायर होता है जो फ्लूड का रिजर्वायर है ये एक तरह का पार्टीशन होता है इनमें एक हाफ सेक्शन लेफ्ट साइड में एक हाफ सेक्शन राइट साइड में जो लेफ्ट साइड वाला है वो जैसे यहाँ पे ये पिस्टन प्राइमरी पिस्टन है तो यहाँ पे इसको फ्लूड ट्रांसफर करेगा जो दूसरा जो हिस्सा होगा राइट साइड वाला ये सेकेंडरी पिस्टन जो है इसको फ्लू ट्रांसफर करेगा जिससे ये दोनों ऑपरेट होंगे और उस मैकेनिकल प्रेशर जो है उसको हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर देंगे मींस मैकेनिकल टाइप डिवाइसेस जो कि इसको हाइड्रोलिक प्रेशर में वो ऊपर से आएगा उसका कन्वर्जन कर देंगे ये पिस्टन रोड है जिसकी सहायता से पिस्टन ऑपरेट होता है यहाँ पे एक ये प्राइमरी पिस्टन है और एक ये सेकेंडरी पिस्टन है प्राइमरी पिस्टन के बाद में यहाँ पे स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं ये जो स्प्रिंग है इन स्प्रिंग्स का फंक्शन होता है कि इसको वापस बैक ला सके पिस्टन को अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे बैक ला सके ऐसे ही जो दूसरे वाला पिस्टन है सेकेंडरी इसमें भी ये स्प्रिंग्स लगी हुई है ताकि इसकी सहायता से आसानी से ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच सके मींस एनर्जी को स्टोर करेंगी और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उस एनर्जी को रिलीज कर देंगी ये स्प्रिंग्स ये फंक्शन होता है इसके बाद जो एंड पोर्शन है ये लाइनिंग्स है जो कि ब्रेक पे जाती है जैसे यहाँ पे ये फ्रंट ब्रेक पे जा रही है और ये रियर ब्रेक पे जा रही है अब वर्किंग में क्या होता है कि जब आता है एंट्री करता है इन इन पोर्ट्स के थ्रू तो एक in की port है, एक out की की पोर्ट पोर्ट है 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 आउट तो यहां पे जब एंट्री करता ऐसे इसमें एंट्री करता है तो ये ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं ऑपरेट से मीनिंग ये आगे इसको प्रेस करेगा जब दबाएगा ये पिस्टन रोड इसको आगे की साइड लेके जाएगी तो यहाँ पे जो एंड में पिस्टन रोड लगी रहेगी जो निकली रहेगी वो इसको भी प्रेशराइज करेगी तो ये भी प्रेशर होने की कोशिश करेगा जिससे वो जो फ्लूड होगा वो फोर के फोर जो व्हील्स हैं उनमें ट्रांसफर होगा मींस यहां से ये यह फ्रंट व्हील में होगा और यहां से से रियर व्हील्स में होगा और आसानी ये जो हमारा व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगा जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे मींस जब ब्रेक पेडल अप्लाई करेगा ऑपरेटर ड्राइवर तो यहाँ पे ये यह इसको आगे की साइड फोर्स करेगा और फोर्स करने से ये दूसरे को भी फोर्स करेगा मीन दूसरे पिस्टन पे भी सेकेंडरी पिस्टन पे भी फोर्स अप्लाई करेगा जिससे ये स्प्रिंग जो है वो प्रेस हो जाएंगी और जो फ्लूड होगा वो आगे सभी व्हील्स में ट्रांसफर होगा यहां से फ्रंट व्हील में और यहां से रियर व्हील में और आसानी से ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे अब यहाँ पे इनका फंक्शन क्या हुआ ऐसा तो वर्क हम सिंगल टाइप में भी कर सकते थे यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये रहता है मान लीजिए कोई एक यूनिट खराब हो गई मान लीजिए यहाँ पे ये यूनिट खराब होगी तो ये स्टिल अभी भी वर्किंग में तो मतलब इसका जो पार्टीशन वाला हिस्सा होगा वहां से वो फ्लूड आएगा इसके अंदर और ये स्टिल ऑपरेट रहेगा तो इसकी सहायता से से ये आसानी से इस स्प्रिंग्स को प्रेशराइज करेगा साइड फोर्स होगा और कंप्लीटली जो फ्लूड है उसको फॉरवर्ड कर देगा और ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है इसीलिए इसको स्प्लिट टाइप मास्टर सिलेंडर भी बोलते हैं स्प्लिट से मतलब दो हिस्सों में बना हुआ है चाहे ये ऊपर से रिजर्वायर का पार्टीशन समझ लीजिए कि इसमें आपके दो पार्ट्स में होता है या फिर नीचे से हम लोग बात करें ये नीचे वाला जो हिस्सा है सेक्शन है इसमें बात करें तो दो पिस्टन है मान लीजिए वो ही मैं बता रहा था कि एक यूनिट ये लेफ्ट वाली यूनिट खराब हो गई तो राइट वाली तो अभी भी ऑपरेटिंग में है मान लीजिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो ये ऑपरेटिंग में है तो ये ऑपरेट होगा आसानी से वर्क करेगा तो ये होता है टेंडम टाइप मास्टर सिलेंडर इन ब्रेकिंग सिस्टम थैंक यू दोस्तों